हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे प्योर टोन ऑडियोमेट्री। क्या होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, या फिर पीटीए बोलते हैं हम लोग। प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हियरिंग टेस्ट के लिए। इसमें हम एक पेशेंट को एक बंद केबिन में बैठाएंगे, उसके कान में हेडफोन लगाएंगे और बाहर मशीन के द्वारा हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट करेंगे, जो वाइब्रेशन उसके पेशेंट के हेडफोन में जाएगा और वो उसको सुन पाएगा। तो वो बताएगा कि मुझे सुनाई दे रहा है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी और डेसिमल चेंज करेंगे। तो बात करें प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट है। सब्जेक्ट बोले तो पेशेंट, ऑब्जेक्ट बोले तो मशीन। अब सबसे पहले हम बात कर लें कुछ सिंबल्स की। जैसे आपके सामने दिख रहा है राइट ईयर के बारे में, लेफ्ट ईयर के बारे में। अगर हम जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डेसिमल सेट करें, फिर उसके कारण हम एक ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ में सिंबल है जो हम यूज करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। अब हम बात करेंगे प्योर टोन ऑडियोमेट्री के सिंबल के बारे में। सबसे पहले देखें हम राइट ईयर के सिंबल के बारे में, फिर देखेंगे हम लेफ्ट ईयर सिंबल के बारे में। सबसे पहले बात करें राइट ईयर सिंबल के बारे में, तो राइट ईयर के बारे में ईयर कंडक्शन में देखें तो हमको सर्किल, और इधर बात करें हम लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर में अगर ईयर कंडक्शन के बारे में देखें तो क्रॉस। अगर हम बोन कंडक्शन के बारे में बात करें तो राइट ईयर में अगर बोन कंडक्शन देखें तो इधर को, ये गलत होना है इमेज में, सही कर लेते हैं। लेफ्ट की बात करें बोन कंडक्शन में तो ये सिंबल यूज होगा। जैसे कि बताऊँ आपको न्यूमोनिक, जैसे अगर राइट साइड का बोन कंडक्शन है तो ऐसा है, तो इधर की बात करें तो ये राइट साइड ओपन है, और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड ओपन है। सबसे पहले हम देखते हैं अपने ग्राफ को। जैसे मैंने आपको बताया था सर्किल इज फॉर राइट ईयर कंडक्शन, क्रॉस इज फॉर लेफ्ट ईयर कंडक्शन। तो हम इस ग्राफ से देख पा रहे हैं सर्कल और क्रॉस मींस ईयर कंडक्शन। इसमें हम देख पा रहे हैं ईयर कंडक्शन लेफ्ट और राइट ईयर का, लेकिन ये 25 डेसिमल से ऊपर है, सारे अबव 25 डेसिमल। ईयर कंडक्शन लेफ्ट और राइट ईयर का दोनों का 25 डेसिमल से अबव है। तो ये हुआ आपका नॉर्मल प्योर टोन ऑडियोमेट्री। हम दूसरे ग्राफ के बारे में बात करें, जैसे कि आप दूसरे ग्राफ में देख पा रहे हैं। सबसे पहले सिंबल की बात करें, सिंबल इज ओपन टू लेफ्ट, तो लेफ्ट बोन कंडक्शन क्रॉस, लेफ्ट ईयर कंडक्शन। लेकिन हमें बोन कंडक्शन हमें नॉर्मल दिख रहा है, बोन कंडक्शन हमें नॉर्मल है, लेकिन ईयर कंडक्शन 25 डेसिमल से नीचे है, तो डिफेक्ट हमारा ईयर कंडक्शन में है, ईयर कंडक्शन डिफेक्ट। और हमारा गैप भी है ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में, गैप भी है, तो हमारा ये भी गैप भी प्रेजेंट है। तो ये अपना क्या हुआ, लेफ्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब हम बात करें अपने तीसरे ग्राफ के बारे में। तीसरे ग्राफ में दोबारा से देखें, लेफ्ट साइड का है हमने पहचान लिया सिंबल से, इसमें ए बी गैप नहीं है। सबसे पहले तो हमने ये कहा नो ए बी गैप, और डिफेक्ट दोनों में है, बोन कंडक्शन में डिफेक्ट है, ईयर कंडक्शन में डिफेक्ट है। तो बात करें हम डिफेक्ट इन बोन कंडक्शन प्लस नो ए बी गैप, क्या ये सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफ लेफ्ट साइड।
हम बात करें अपने तीसरे ग्राफ के बारे में, तीसरे ग्राफ में हमको क्या मिला है, सबसे पहले हम साइड देखें, हमने पहचान लिया ये लेफ्ट साइड का है, ठीक है। तो बात करें हमारा बोन कंडक्शन डिफेक्ट है, ईयर कंडक्शन डिफेक्ट है, ये भी गैप प्रेजेंट भी है एबसेंट भी है। सबसे पहले बात करें लेफ्ट बोन कंडक्शन डिफेक्ट के बारे में, वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब बात करें लेफ्ट ईयर कंडक्शन के बारे में, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस या सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यदि आपको पढ़ना है तो पिछले वीडियो से देखें। और हम बात करें ये भी गैप प्रेजेंट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो इसमें हमारे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिला है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिला है, तो ये होगा अपना मिक्स्ड हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिला है हमको, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिला है हमको। अब आपके सामने एक ग्राफ है जिसको मैं फिल करता हूँ, फिर आप बताइए ये क्या है। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, ये मैंने मिला दिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आपकी 2K या फिर 1K से आगे पहुंचा तो डिफेक्ट है, तो क्या बोलेंगे इसको, तो क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी है वैसे ही लो फ्रीक्वेंसी डिफेक्ट होता है। डॉक्टर्स, मैं इसमें ग्राफ में एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये रेड से बना दिया था और लेफ्ट साइड का है, तो ये ग्राफ गलत है, क्योंकि रेड से हमेशा सिंबल राइट साइड का सिंबल होगा तो रेड से होगा, लेफ्ट साइड का सिंबल होगा तो ब्लू से होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया था। अब मैं बात कर लूँ लो फ्रीक्वेंसी के बारे में, यदि हम बात करें कि मैं राइट साइड का बना रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, यस यू आर राइट, तो राइट साइड का बनेगा रेड से, राइट साइड का बनेगा राइट से, लेफ्ट साइड का बनेगा ब्लू से। ग्राफ में हमें क्या मिला है, राइट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन लो फ्रीक्वेंसी। यदि हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में, हाई फ्रीक्वेंसी डाउन स्लोपिंग ऑटोमेटिक मिलता है हमको, इसमें हमने देखा था लाइक दिस, क्या कॉज है, प्रेस वाइक्यूसिस, प्रेस वाइक्यूसिस मींस एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, ऑटो टॉक्सिटी नॉइस इंड्यूसिंग हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी। अब आप पूछेंगे लो फ्रीक्वेंसी होता है, तो बात करें हम लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कॉज पहले तो बात करें इंपॉर्टेंट कॉज के बारे में, यस मीनर्स डिजीज। जैसे आपने देखा था हाई फ्रीक्वेंसी इज डाउन स्लोपिंग और लो फ्रीक्वेंसी इज राइजिंग और अप स्लोपिंग, राइजिंग या अप फ्रीक्वेंसी, अप फ्रीक्वेंसी या फिर अप स्लोपिंग। अब हम बात करें दो इंपॉर्टेंट डिप के, डिप के बारे में, जैसे कि पहले बताइए लेफ्ट साइड का है राइट साइड का है, यस क्रॉस इसका लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सबसे पहले मैं क्या दिखाया इसमें, लेफ्ट ईयर कंडक्शन डिफेक्ट, ये भी क्या प्रेजेंट, तो क्या हुआ कंडक्टिव हियरिंग लॉस लेफ्ट साइड का, कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्लस 2000 पर ये हमको नॉच दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपना करहाट्स नॉच,
हर्ट्ज नोट। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको एयर कंडक्शन और नोच होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे कर हर्ट्स नोच। यदि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, नोच है 2000 फ्रीक्वेंसी पर लेकिन एयर कंडक्शन एब्सेंट, तो ये कर हर्ट्स नोच है या फिर नहीं है? यस 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 यस, इट्स नॉट अ कर हर्ट्स नोच। और हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, पहले ग्राफ कर लें। कनेक्टिव हियरिंग लॉस प्लस नॉच इक्वल टू हर्ट्ज नॉच, ये मैंने आपको लिख दिया है। और हम बात करें अपने दूसरे ग्राफ के बारे में, दूसरे ग्राफ में क्या मिला है, जैसे हम देख सकते हैं। लेकिन हम एक चीज इंपॉर्टेंट देख पा रहे हैं, नोच 4000 पर एक नोच देख पा रहे हैं, नोच या फिर डिप एट 4000, इसे क्या बोलेंगे, रिक्वेस्टेड डिप। रिक्वेस्टेड डिप किस मिलता है हमको, रिक्वेस्टेड डिप मिलेगा हमको नॉइस इंड्यूसिंग हियरिंग लॉस। अब बात करें हर्ट्ज नोच किस मिलेगा, हर्ट्ज नोच का मिलेगा ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, सब नॉर्मल ग्राफ देखे हैं हमने, हमने कनेक्टिव हियरिंग लॉस देखा है, सेंसरी हियरिंग लॉस ग्राफ देखा है, फिर हमने देखा मिक्स्ड हियरिंग लॉस ग्राफ, फिर हमने देखा मिक्स्ड हियरिंग लॉस ग्राफ, फिर हमने देखा हाई फ्रिक्वेंसी इफेक्ट, फिर हमने देखा लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट, फिर हमने देखे दो इंपॉर्टेंट नोच एंड डिप, 2000 पर नोच 4000 पर डिप। आज की वीडियो फंसती है, थैंक यू।